मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग तनु की छोटी सी दुनिया। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ लनाया को लेकर। लनाया का तबीयत जो 2 दिन से ख़राब है, तो आज मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहाँ पर जा रही हूँ। और इस बैग में मैंने कपड़ा पूरा ले लिया है, तो अभी जा रही हूँ फर्स्ट से। तो बैग भी रेडी कर लिया है और उसका बुखार जो है कम नहीं रहा था, तो इसलिए अभी जा रही हूँ फटाफट से। मैं बैग को सब तैयार कर लेती हूँ। डॉक्टर के पास आए थे और डॉक्टर दिखाना भी कंप्लीट हो चुका है। तो लनाया का जो है ब्लड टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे लनाया अभी सो रही है। उसको 2 दिन से बहुत फीवर आ रहा है, जा रहा है, वीक भी हो चुकी है और खाना जो है खा नहीं रही है। तो डॉक्टर के पास दिखाया, कुणाल भी आया है, कुणाल का बाल देखो चला गया। तो दोनों को भूख लगा है, तो अभी कुछ लेके उन लोगों को खिला दूंगी और फिर घर जाके ही खाना खिलाऊंगी। और अभी जो है लनाया सो रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अभी है हॉस्पिटल से सिर्फ निकले हैं अभी, तो अंदर तो वीडियो नहीं कर सकते। और जल्दी जल्दी आने में मैं सुबह भी वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि लनाया का तबीयत जो है ख़राब था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ पे कियान को देखो, कियान ने चिप्स खाया है। मुझे पानी पीना है, पर ठंडा पानी पीना है। पानी जो था मैं लेकर आई थी वो पूरा गर्म हो चुका है, क्योंकि गाड़ी के पीछे में रखा था पानी और गर्म हो चुका है पूरा धूप से। और गाड़ी भी बहुत हीट हो चुका है क्योंकि धूप में था, तो इसलिए गाड़ी बंद था पूरा। तो धूप में जो है पूरा गर्म है। तो अभी जाएंगे, देखती हूँ क्या मिलता है, इन लोगों को खिला देती हूँ कुछ लेके फट से। अभी लनाया उठी है और लनाया जो है एप्पल जूस पी रही है, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर लनाया है, तो बच्चा का तबीयत जो पूरा मतलब ख़राब है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो आई होप जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है तो और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, बस लगता है कि बच्चा जो है फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चों को तकलीफ में देखने में बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा बात करती रहती है। आज 2-3 दिन से जो है पूरा उदास रहती है, अच्छा नहीं लगता है। और फीवर में बहुत तकलीफ़ में बोलती भी नहीं है, और जितना हो सकता है अपना तकलीफ अपने पास रखती है। पर आज मैंने बोला नहीं, डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है और वीक भी बहुत हो चुकी है। तो जो भी मेडिसिन होता है डॉक्टर के रिकमेंड के थ्रू खाना चाहिए, अदरवाइज हम लोग अगर खुद से डॉक्टरी करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए तो डॉक्टर दिखा लिया। तो मतलब मन में बहुत सारा कन्फ्यूशन रहता है, डॉक्टर दिखा लेने के बाद जो है वो सब दूर हो जाता है। तो आज डॉक्टर दिखा दिया, रिपोर्ट जो है शाम को 7:30 में देगा, तो इतना टाइम वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए कल आकर फिर रिपोर्ट दिखाएंगे। तो अभी जो है लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा बहुत खिलाना है और बाहर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों को। तो फटाफट जाके घर पर थोड़ा फ्रेश करा के इन लोग को रेस्ट करने के लिए बोलूँगी। तो अभी जो है हम लोग रंगपुर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर लगाया है, तो कियान खड़ा है और अभी हम लोग जा रहे हैं रंगपुर। जो है हम लोग घर आ चुके हैं। आने के बाद जो है मैं फ्रेश हो गई, और फ्रेश होने के बाद नॉर्मली जो घर पे कपड़ा होता है वही पहन के मतलब आज वीडियो करने लगी हूँ। बहुत गर्म लगा, मतलब पता नहीं टाउन में इतना गर्मी है ना, इधर भी है पर टाउन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ट्रैफिक है। ऊपर से हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत स्मेल जो होता है ना, अजीब सा होता है, फिर बच्चे रोते हैं, कोई बड़े भी रोता है, तो मतलब देख के मन कैसा हो जाता है। तो अभी घर पर आई हूँ, कियान का भी सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो कियान यहाँ पे है खेल रहा है और लनाया जो है यहाँ पे लेटी हुई है और रेस्ट कर रही है। लनाया हाय बोल दो सभी को, बच्चा हाय। तो मेरे पीछे पीछे कौन है? गांधी जी। एक्चुअली गांधी जी का डंडा सर तो गांधी जी सर हो गया है, पर डंडा नहीं है हाथ में, तो पूरा गांधी जी हो जाएंगे। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, एक्चुअली बाबू बुला दिया था। तो लनाया जो है
टेबलेट देख रही है, उसमें वीडियो देख रही है, उसको अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा ठीक है थोड़ा देर वीडियो देख लो। और पीछे देखो, कल बहुत उदास हो रहा था कि कुछ दिन पहले ही मेरे मम्मी ने मेरा सर का बाल काट दिया था, आज तो पूरा ही चला गया। मम्मा कब आएगा? मैंने कहा तेल दे दे के रखो, जल्दी आ जाएगा। तो उसके लिए केप लेना था, और मैं एक्चुअली आज डॉक्टर के पास गई थी तो केप ले नहीं पाई हूँ। मैंने बाबू को बोला था केप लेके आने के लिए। और आज सुबह सुबह जो है तालाब में मछलियाँ बहुत सारी दिख रही थी। मैंने यहाँ पर मुड़ी दिया था और पानी जो है पूरा तालाब का सूख चुका है। अभी गर्मी का दिन है तो पूरा सूख चुका है। और हनी जो है आकर देखा कि बाबू ने हनी को जो है खाना दे दिया है और बाबू ने भी खा लिया था, पर हम लोग आके खाना और नहीं खाए। लनाया ने थोड़ा एक समोसा खाया था और कियान जो है पेस्ट्री खाया, मैंने वहीं पे लेके दिया था और जूस पिया। और कुछ खाना तो हुआ नहीं क्योंकि सुबह भी खाना इतना नहीं हुआ था। सुबह हाफ रोटी खिलाई थी लनाया को बटर दे के, क्योंकि मेडिसिन देना था उसे फीवर का। और कियान ने जो अपने दादी के साथ खाया था, आके चावल बोल रहा है मम्मा नहीं खाना है और मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, गर्मी है और थोड़ा बहुत कुछ हल्का हल्का खाएं। तो शाम को मैंने कहा जल्दी खाकर फिर सो जाना। तो मैं यहाँ पे बाहर जो है फूल घास जो है लगा चुकी हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे दो एडिनियम है, उसको मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे है ए वाला, तो इन दोनों को लगाया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला। लगाया भी बीमार है दो तीन दिन से, तो यहाँ पे कुछ लगा दिया है। यहाँ पे जो फ्लावर है, यहाँ पे येलो पेपर जो है आप लोग देख सकते हो आ गया है यहाँ पे भी जो। और यहाँ पे सारा जो सीमेंट का बोस्ता बोरी बोलते हैं वो होता है, उसमें मिट्टी भर भर के खेत का मिट्टी और गोबर जो है ड्राई गोबर था उसको दे दे के यहाँ पे रखा है। तो यहाँ है मौसम्बी का पेड़, तो यहाँ फ्लावर जो है झड़ चुका है। यहाँ पे छोटा छोटा मौसम्बी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मौसम्बी है। और यहाँ पे कैप्सिकम जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है यहाँ पे। और ये फ्लावर जो है बहुत सुंदर है, पूरा वायलेट कलर का है, तो बहुत सुंदर है। इधर ये खिल चुका है, इधर एक है इसका खिलने वाला है। और यहाँ पे जो है व्हाइट मेरीगोल्ड, तो ये भी जो है खिल रहा है। सब यहाँ पे बोस्ता में जो बोरी है वो यहाँ पे लगा कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी और एक कैप्सिकम है, यहाँ पे भी फ्लावर है। ये लनाया का फेवरेट फ्लावर था पर अभी सूख गया है और भी यहाँ पे खिलेगा। और ये थोड़ा हल्का वायलेट में है, वाइट है, हल्का सा वायलेट कलर का मिक्स है इसमें। और यहाँ पे है, और यहाँ पे व्हाइट वाला, इसको कुंदो फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे टमाटर घास भी देख सकते हो बड़ा हो चुका है। पापा ने यहाँ पे एक डब्बे में टमाटर लगा दिया। एक्चुअली टमाटर मैंने ही बोला पापा इसमें टमाटर ही लगा दो हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप मतलब देख रहे हो जो पूरा पिंक कलर का पेपर फ्लावर हो चुका है यहाँ पे। और अभी मैं दिखाऊँ आप लोग को, एक जो गुलाब था ना मेरा जो मैं लाई थी सिलचर से, वो इतना लंबा उठ रहा है ना, हम लोग सोच रहे हो कहाँ जाएगा। तो आप लोग देखिए इसका नीचे से लत्ती जो गया है धीरे 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 पूरा गाछ में, देख रहे हो आप लोग, ये पूरा आसमान में वही लग रहा है, पूरा घर में उठना जाए। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये वाला लत्ती वाला है जो ऊपर पाइप या फिर कुछ में लगा देने से वो हो जाता है। बहुत सुंदर कलर है इसका भी। और अभी जो है शाम हो रहा है, तो यहाँ पे ये जितना था मैंने यहाँ पे लगाया है। और भी है यहाँ पे नींबू का पेड़ जो है मैंने लगा नहीं पाई, तो कल सोच रही हूँ कल लगाऊंगी। और हनी जो है यहाँ पे बैठी हुई है हनी, और यहाँ पे नींबू का पेड़ रह गया है, नींबू का फ्लावर भी आया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैंने लगाया नहीं है अभी तक, लगाऊंगी सोच के लगा नहीं पाई हूँ। कुछ दिन से जो है प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम ही आ रहा है। तबीयत भी अच्छा नहीं रहता है, ऊपर से बच्चे जो है फीवर मतलब ठंडा गर्म कर रहा है, तो अभी चारों तरफ जो है फीवर का मतलब चल रहा है। तो फीवर आ गया है उसको भी, दो दिन से तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज जो है डॉक्टर दिखा कर आई हूँ। और रिपोर्ट जो है अभी बाबू गया है सिलजा, तो बाबू जो है रिपोर्ट लेकर आएगा, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएगा, उसके बाद डॉक्टर बोलेगा अगर रिपोर्ट में क्या आया है। आई होप भगवान करे सब अच्छा हो, नॉर्मल हो, क्योंकि ये बच्चों को कुछ होने से एकदम मुझे अच्छा नहीं लगता है सच में। मुझे ना खाने पीने का दूर की बात है, मुझे मतलब रात को सोने से भी टेंशन होता है कि जो मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों, उन लोग को कुछ हो जाने से मतलब बहुत प्यार करते हैं, उन लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी को बहुत प्यार करते हैं। और बुरा भी लग रहा है अभी जो है इस टाइम में उठ के वो बैडमिंटन खेलती है, पर आज जो है वो खेल नहीं पा रही, सर उठाने से बोरी मम्मा सिर्फ चक्कर आ रहा है। और बुखार जो है रात भर जो है मैंने और बाबू ने पानी का पट्टी दिया है उसे, और सुबह जो है डॉक्टर के पास लेकर गई तो अच्छा लगा। कि कुछ भी चीज़ अपने ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए, और बच्चों को कुछ हो भी होने से डॉक्टर के पास फर्स्ट से लेकर जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने बोला अच्छा हुआ, थोड़ा टेंशन फ्री भी हो गई, बाबू को भी अच्छा लगा टेंशन फ्री हुआ, नहीं तो फीवर ऊपर आने से भी टेंशन रहता है कि क्या हो गया क्या नहीं। और
वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो रो रहे थे, कुणाल देख देख के डर गया, क्योंकि इंजेक्शन दे रहे हैं तो बच्चे लोग को, तो डर रहा है। और लनाया का जो है ब्लड लिया, तो लनाया तो नहीं डरती है, पर मुझे डर लगा जब उसके सुई कुछ चुबाया उसके हाथों में और इतना सारा ब्लड ले लिया है, इतना बुरा लगा। फिर भी वो डरती नहीं है, हिम्मत वाली है, पर मैं यही डरपोक हूँ, इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो अभी जो है रेस्ट कर रही है, मैंने कहा पापा तुम रेस्ट करो, तो इस चक्कर में जो है बच्चा बीमार हो गया, मैं ब्लॉग भी जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, और करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम में बच्चा बीमार होने से और कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मन करता है बच्चे के पास रहूँ, बच्चे की बातें सुनूँ, उसके हंसाऊँ, ये सब। तो आज का छोटा सा जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और हमारे यूट्यूब चैनल तनु की छोटी सी दुनिया प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, एक लाइक तो कर दो यार। बाय, फिर कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।